हेलो नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे NX360 मशीन के बारे में। और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना, इस मशीन को ऑपरेट करना और चलाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आपको जानकारी हो जाए तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको चीज़ों के बारे में बताना, मशीन की थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको समझाने की। तो चलिए अब चलते हैं मशीन के पास। आप देख रहे हैं ये हमारी मशीन है NX360। आप इसके व्यू को देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही जैसे लगता है कि नेचर के साथ या कोई संबंध हो, जिस तरह का ये कलर लेके आया है, ये इतना बेहतरीन लुक देता है ये मशीन कि देखते ही एक नज़र में ये पसंद आता है। और ऊपर से जैसा इस मशीन का नाम है NX360, तो 360 हो जाने के बाद ये मशीन अपने आप में ही एक अलग सी पहचान बनाती है। आप देख लीजिए इस मशीन के चारों तरफ से इसका व्यू, आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको इस मशीन के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाहर साइड से, इस मशीन का डिटेल्स आपको हम साझा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस मशीन को, तो इस मशीन का नाम है NX360। आप देख रहे हैं NX360। NX का मतलब ये है, ये मशीन जो है नेक्स्ट जनरेशन, और 360 का मतलब ये है कि ये इसका स्विंग जो है वो 360 रोटेट करेगा, 360 डिग्री एंगल पे ये मशीन का बूम जो है रोटेट करेगा, और जो सामान है आप इसको आसानी से उठा के एक जगह मशीन को खड़ी करके 360 डिग्री में मटेरियल को आसानी से रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शुरू से, ये बूम जो है, आप ये बूम देख रहे हैं, ये 4 पार्ट में बूम आता है। इसके 2 पार्ट जो हैं वो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड हैं, और एक जो पार्ट होता है वो मैनुअल होता है। तो इसके बूम जो है वो 4 पार्ट में आता है। उसके बाद अगर आप इधर देखेंगे ये विंच, तो आप इधर से दिखा देंगे इनको, ये 6 फॉल का है ना। 6 फॉल का मतलब होता है इसमें आपको 3-3, 6 पुलियाँ लगी हुई हैं, 6 बार रोप जो है रोटेट हुआ है, 1 इधर से 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद अगर आप इधर आते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है लैंप, वर्किंग लैंप। ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा वर्किंग लैंप है, जब ऑपरेटर ऑपरेट करता है शाम के टाइम में भी तो इससे बिजली देख सकता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे, कैमरा, बूम कैमरा दिया जाता है इस मशीन में। इस कैमरे की वजह से क्या होता है कि जो ऑपरेटर है उसको बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर पाता है बूम को, वो देख पाता है अंदर में, इसका डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ से वो देख पाता है। और आपको मैं फ्रंट से दिखाना चाहूँगा, इसमें आपको देखेंगे 2 हेडलैम्प इधर हैं, 2 हेडलैम्प यहाँ, 4 हेडलैम्प हैं, और 2 आपके ये इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके आउट ट्रिगर का। तो जैसा कि ये इसको बोलते हैं आउट ट्रिगर, ये है फ्रंट के आउट ट्रिगर, जो फ्रंट में 2 आउट ट्रिगर लगे हुए हैं। आउट ट्रिगर का बेसिकली वर्क ये होता है कि मशीन को स्टेबिलिटी देना, मशीन को स्टेबल करना। तो इसमें 4 आउट ट्रिगर हैं, 2 फ्रंट के और 2 रियर के, जो इस मशीन को बिल्कुल ही अलग बनाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, एक इस साइड आउट ट्रिगर है, एक इसके अपोजिट साइड में आउट ट्रिगर है। और इस मशीन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिया रखा है, यहाँ पर जो आपका जो ऑपरेटर का हेल्पर है, ये हेल्पर सीट बोल सकते हैं, को ड्राइवर सीट बोल सकते हैं, इस पर आपका हेल्पर बैठेगा इजीली, जब मशीन कहीं जा रही हो तो आपका हेल्पर यहाँ पे बैठ के इस पर जा सकता है। और आपको मैं इसमें दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये आपका मशीन के लेफ्ट हैंड साइड में ये डीजल टैंक, और उस साइड में हाइड्रोलिक टैंक दिया हुआ है। और पीछे आ जाते हैं इस मशीन के, पीछे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पीछे में वही बेसिक आपको दिख रहे होंगे, ये ब्रेक लाइट्स दिए हुए हैं, और ये आपको मिल जाता है रियर कैमरा, आप इसको देख पाएंगे, ये रियर कैमरा है। और इस रियर कैमरा से ये फ़ायदा होता है, जब ऑपरेटर इस मशीन को रिवर्स करता है तो ये रियर कैमरा वर्क करता है, ताकि ऑपरेटर इजीली देख पाए कि पीछे में क्या है, कोई आदमी तो नहीं है, कोई मशीन तो नहीं है जिसमें टक्कर ना लग जाए। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये एक्सटर्नल आप इसको बोलते हैं फ्लाई चिप है ना,
ये फ्लाईशिप जो होता है, जो हमारा बूम है चार पार्ट में निकलता है, उसके बाद एक्सटर्नल ये फ्लाईशिप को आप लगा सकते हैं। अगर आपका वजन बिल्कुल कम है, 100 kg से कम वेट उठाना हो, तो आप फिर इसको लगा के अपने बूम का एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ा के और हाइट रीच कर सकते हैं। तो ये इसलिए दिया हुआ है। टायर की बात कर लें तो आप देख सकते हैं इसमें जेके के टायर्स लगे हुए हैं, और टायर का जो साइज है वो है 1200-20, है ना। तो आप ये देख सकते हैं, और इसमें टोटल 8 टायर लगे हुए हैं। 4 टायर रियर में हैं और 4 टायर ही फ्रंट में भी दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था उस समय कि इधर हाइड्रोलिक टैंक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक टैंक दिया हुआ है। और ये जो भी आउट ट्रिगर है, ये इधर थोड़ा सा आप दिखा देंगे, ये AGB यहाँ पे लगा हुआ है। और AGB का मेन काम क्या होता है, इस मशीन को 2-wheel drive और 4-wheel drive में AGB कन्वर्ट करता है। जब मशीन हमारी चलती है तो 2-wheel से 4-wheel drive में कन्वर्ट करने के लिए AGB का यूज करते हैं। अभी हमने बात किया था आउट ट्रिगर के बारे में। आउट ट्रिगर जो मैंने आपको दिखाया था, ये रियर आउट ट्रिगर, फ्रंट आउट ट्रिगर, और इन आउट ट्रिगर का मेन पर्पस ही ये होता है मशीन को स्टेबल करना, क्योंकि इतनी भारी भरकम मशीन है, 360 वर्क करना है तो स्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। और इनको, ये जो आउट ट्रिगर हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास जो लीवर दिए हुए हैं वो फ्रंट में है, जो आप इधर आके देख सकते हैं। बिल्कुल ये आप देख पा रहे होंगे, ये पहला जो है फ्रंट के लिए आउट ट्रिगर, अप एंड डाउन के लिए है। दूसरा जो है ये आपको जो LH और RH के लिए जो आउट ट्रिगर है वो अप एंड डाउन करेंगे। तीसरा एक्सटेंड बाहर और अंदर करने के लिए। ये तीन जो लीवर हैं वो जो क्या है फ्रंट के लिए हैं, वैसे ही तीन जो ये लीवर दिए हुए हैं ये रियर आउट ट्रिगर के लिए दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा ये जो आउट ट्रिगर है जो आप देख रहे हैं, ये जो अपना रियर आउट ट्रिगर है उसको एंगल प्रोवाइड करता है, उसको ये क्या करता है, स्विंग करता है। क्योंकि ये फ्रंट वाला आउट ट्रिगर तो स्ट्रेट में खुलते हैं, लेकिन जो अपना रियर जो आउट ट्रिगर है वो एक एंगल में जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें बाहर में हैं। और दूसरा ये आप देख रहे हैं इसमें सिलाई लगा हुआ है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मशीन का जो बाहरी हिस्सा था, बाहर का सब चीज़ था, हमने आपको बता दिया। अभी हम चलते हैं केबिन के अंदर, और केबिन के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या दे रखा है ऑपरेटर के लिए, क्या क्या ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, कौन कौन से स्विचेस लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं केबिन के अंदर। तो अभी जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल न्यू मशीन है। तो ये जो वेट है ये भी अभी लगा नहीं हुआ है, ये वेट एक्चुअली लगते हैं अपना SLI का जो लिमिट स्विच है उसमें। तो चलिए अभी यहाँ देखते हैं, ये एवलॉन का ये आपका SLI इसमें लगा हुआ है। एवलॉन आप देख पा रहे हैं, एवलॉन जो है ये बहुत ही मल्टी ब्रांडेड कंपनी है, और मैक्सिमम मशीन में आपको एवलॉन का SLI दिख जाएगा। और SLI का मतलब होता है सेल्फ लोडिंग इंडिकेटर। ये होने से मशीन ज़्यादा सेफ हो जाती है, क्योंकि अगर ये फंक्शन नहीं हो मशीन में तो क्या होता है कि ऑपरेटर को पता नहीं होता है कि एक्चुअल वेट क्या है। और अगर वो एक्चुअल वेट से, जैसे कि इसकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं इसमें 20 टन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये मशीन 20 टन का वजन इजीली उठा पाएगी। इस हुक से वो 20 टन तक का वजन उठाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये मशीन में ऐसा दिया हुआ है 20 टन का वजन उठाने के लिए, तो ये पिक एंड कैरी के लिए 20 टन इजीली उठाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे स्विंग कराने के लिए, तो 20 टन नहीं, आप इससे कंटिन्यू स्विंग, मतलब कि अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं कि कोई वजन को उठा के 360 डिग्री रोटेट करें, तो आप इसमें 18 टन का सामान ही उठाएंगे, 18 टन ही सेफ रहेगा। तो चलिए अभी इधर अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे ये हमारा डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड में आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आपका जो है पहला एयर प्रेशर का बार दिया हुआ है। दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको फ्यूल गेज है। तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे, ये RPM है, ये किलोमीटर का दिया हुआ है। और ये जो है ये आपको वाटर टेम्परेचर का दिया हुआ है, और ये आपका ऑयल प्रेशर का है ना। ये सारे जो ये आपको इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये एक्चुअली आप जैसे यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, जैसे ये इंडिकेटर आपका इंडिकेटर के लिए है, लो एयर प्रेशर के लिए है, पार्किंग के लिए, ये बैटरी के लिए, ये लाइट के लिए, इसके सारे कंट्रोल्स यहाँ से हैं।
आप यहाँ ये फर्स्ट बटन जो देख रहे हैं ये पार्किंग के लिए है, दूसरा ये फैन दे रखा है फैन के लिए है, तीसरा ये वाइपर, वाइपर लगा हुआ है, वाइपर मोटर आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये वाइपर के लिए है। ये चौथा जो है आपको जो मैंने बताया था टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव, 2WD 4WD के लिए है, तो ये उसके लिए दिया हुआ है। हाई लो का यहाँ पे स्विच नहीं दिया हुआ है क्योंकि इस मशीन में हमारा जब 2WD पे होता है तो ऑटोमेटिक हाई में रहता है और जैसे 4WD करते हैं तो ये लो में वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारा हेडलाइट का हो गया। ये हमारा हमने आपको दिखाया था वर्किंग लैंप, शुरू में आपने देखा था बूम के पास वर्किंग लैंप, ये वर्किंग लैंप के लिए, ये हजार्ड लाइट के लिए हो गई। ये हॉर्न हो गया, ये पार्किंग ब्रेक, और ये आपको बीएल लाइट क्या होता है, ये एक्चुअली ऊपर में एक लाइट लगा होता है जो कि अभी लगाया नहीं गया है, ये लगेगा, ये आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये ऐसा होता है बीएल लाइट, है ना, ये जब ये ऑन करेंगे तो ये लाइट टेल इसके हेड पर लगा रहेगा मशीन के ऊपर, तो ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये आपका इग्निशन स्विच, आप यहाँ से चाबी ऑन करेंगे और देन ये है आपका स्टार्टर, जब जैसे आप इस बटन को पुश करते हैं तो ये जो आपकी गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी, देख रहे हैं आप, ये स्टार्ट हो गई है। अभी ये जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये लीवर है, ठीक है, गियर का जिसमें दिया हुआ है, इसमें टोटल 6 गियर, एक रिवर्स आगे की तरफ रिवर्स होगा, स्टॉप के लिए ये यहाँ पे स्टॉप के लिए दिया हुआ, जैसे आप इसको खींचते हैं ये मशीन बंद हो जाती है। यहाँ पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्किंग जो है वो पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है। ये कैमरा, ये अभी क्या है, मशीन आप देख रहे हैं रिवर्स का दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो मशीन है रिवर्स गियर में लगी हुई है, इसलिए हमको ये फ्रंट का दिखा रहा था कि आपका बूम का जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है बूम का वो आपको आगे की तरफ दिखा रहा है, आप देख पाएंगे इसमें, है ना, ये फ्रंट का व्यू दिखा रहा है। उसके बाद अब आ जाते हैं मेन जो बात करते हैं जो अपने ये ऑपरेटर्स लोग हैं उनके लिए, तो बेसिक इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे 3 लीवर दिए हुए हैं, ठीक है, और एक ये है 4, आप देख पा रहे हैं ये जो लीवर है, सबसे पहले हम चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये लीवर स्विंग के लिए है, जो 360 मशीन को घुमाना है तो इस लीवर से 360 ऑपरेट होगा, ठीक है। दूसरा ये लीवर जो है इधर स्टार्ट हमने सबसे इधर से किया, तो ये जो हमारा होता है ये विंच के लिए है, विंच का रोप जो होता है डाउन और अप करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये हमारा बूम एक्सटेंशन के लिए, बूम को बाहर निकालना है अंदर की तरफ लेना है तो हम इस लीवर का यूज करते हैं। और ये जो है ये हमारा लूप सिलेंडर, जो बूम को हम लोग हाइट ऊपर की तरफ उठाते हैं, एंगल देते हैं बोल सकते हैं आप, तो इससे हम लोग बूम को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसको हम लोग बूम को अंदर की तरफ करते हैं। तो केबिन में बेसिकली यही है, एक आपको यहाँ दिखा था कि आपको मैंने दिखाया है, ये फैन दिया हुआ है, ये एक छोटी सी लाइट दी हुई है, केबिन लाइट, है ना। बेसिकली अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हमारा एक्सीलरेटर है ना, एक्सीलरेटर पैडल हो गया, ये हमारा ब्रेक, ये ब्रेक और ये हमारा क्लच, तो ये 3 चीजें हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर। बहुत ही आसान है इसको ऑपरेट करना, इस मशीन को चलाना। और ये जो SLI है, SLI के बारे में हम आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में बताएंगे, SLI कैसे वर्क करता है। SLI लगाने का मेन पर्पस यही होता है कि आप सेफ लोड इंडिकेटर जो है आप सेफ लोड को उठाएं, जैसे ही आप अनसेफ लोड को उठाते हैं या फिर जिस रेडियस पे आपको लोड उठाना है उस रेडियस पे जितना लोड उठाना है उससे ज़्यादा उठाते हैं तो ये क्या करता है कि आपके हाइड्रोलिक सिस्टम को कटआउट कर देता है, जिस वजह से कोई फंक्शन काम नहीं करता है। फिर और आपको एक बिप भी आएगी, एक साउंड आने लगता है और कोई फंक्शन काम नहीं करता है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ आपने कुछ गलत काम किया, आपने गलत वेट उठाया है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बाईपास बटन दिया हुआ है जिसको आप पुश करके फिर से आप उस वेट को नीचे करेंगे, वेट को चेंज करेंगे और उसके बाद फिर आप अपने इस मशीन को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। देख लेते हैं इंजन, है ना, इस मशीन में कौन सा इंजन दिया हुआ है, तो चलिए चलते हैं इंजन के पास। तो
तो अभी हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे तो ये देखें इसका इंजन क्या है, कैसा आप इंजन के बारे में बता दें। तो जैसा कि आप हम लोग देख पा रहे हैं, ये अशोक लेलैंड का इंजन है, 101 हॉर्स पावर का इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है। और इसमें जो पंप लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं, इनलाइन पंप लगा हुआ है, डीजल पंप जो है इनलाइन पंप है। और इंजन जो है टर्बो चार्जर के साथ है, टर्बो चार्जर वाटर कूल, ये टर्बो चार्जर वाटर कूल अपना इंजन है। अशोक लेलैंड का ही इसमें गियर बॉक्स भी लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं अशोक लेलैंड का गियर बॉक्स है जिसमें 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स है। और इसके इंजन का जो इंजन ऑयल इसमें आता है 10 लीटर अप्रॉक्स आता है, और गियर बॉक्स में 7 लीटर गियर बॉक्स। AGB का ऑयल 5 लीटर है, और जो इसमें 2 एक्सल दिए हुए हैं ना, फ्रंट और रियर के एक्सल, तो एक्सल में 18 लीटर इच, दोनों में 18-18 लीटर ऑयल आते हैं। कूलेंट की बात कर लें, 15 लीटर इसमें कूलेंट आता है, जो इसका रेडिएटर दिया हुआ है उस रेडिएटर में। और ये आपको मैं मोटर में 1 लीटर बताता, इसका हाइड्रोलिक जो है, हाइड्रोलिक ऑयल जो हमारा बताया था हमने राइट साइड में दिया हुआ टैंक, उसमें 150 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल आता है। इसकी फर्स्ट सर्विस की बात कर ली जाए तो 50 से 100 के बीच में पहली सर्विस की जाती है, फिर हर 250-250 घंटे पे इसकी सर्विस की जाती है। तो ये रहा हमारा इस मशीन के बारे में जो जानकारी थी मैंने आपको दिया, और मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका जो मेन फंक्शन का जो वीडियो है, जैसे स्टार्ट करके मशीन ऑपरेट करके, तो अगर आपका प्यार बना रहा आप लोगों का लाइक, और अगर आप लोगों ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम इसके पूरे ऑपरेशन को करके दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।